Hi guys, welcome back to my channel. This is Millicent Club Vlogs. This is also my piercing vlog. Actually, I'm going to tell you our latest trends for earrings and piercings. So, आज हम पर्पल कलर में सारे इयरिंग्स ट्राई करेंगे कि अगर आप पर्पल कोई सूट भी पहने तो उसके अंदर आपको पर्पल इयरिंग किस तरीके से रखने चाहिए. Here is a purple and silver collection. So, मैं लोअर लोब्स के अंदर सारे ट्राई करके दिखाऊंगी क्योंकि ऊपर में तो ज़्यादा उतारने नहीं होते. मेरे लोअर लोब के अंदर 5 होल्स हैं तो मैं उसमें ही ट्राई करके दिखाऊंगी. फर्स्ट मेरा डबल लोब है, उसके बाद 3 ऊपर हैं. So, let's start. This is a purple one, purple with white one and zircon. Second के अंदर मैं half hoops पहनूंगी. ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, एक कान के अंदर थोड़े लॉन्ग इयरिंग्स पहनते हैं और सेकंड वाले में टॉप्स चलते हैं. तो ये हाई पोनी टेल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. या फिर आप कोई भी ऊपर बाल करके कोई भी स्टाइल बनाए, बन बनाए या कोई भी हाफ हेयर स्टाइल बनाए, ब्रेड वाला बनाए, कुछ भी बनाए, मतलब आगे से थोड़े से बाल उठा कर बनाएंगे तो ये वाला स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. यहाँ जो मेरा थर्ड होल है उसके अंदर भी मैं लॉन्ग पहनूंगी. अच्छा, यहाँ पर मैं एक एक पीस पहन रही हूँ, यानी सेट इयरिंग्स का वन पीस इसके अंदर पहन रही हूँ. अगर आपको दोनों में इक्वल चाहिए, दोनों आप पहनना चाहें तो आप सेकंड इयरिंग आप दूसरे वाले में पहन लें, तो इक्वली आप फर्स्ट में लॉन्ग पहन लें, फिर थर्ड में लॉन्ग पहन लें, इक्वल पहन सकते हैं. आजकल एक कान के अंदर लॉन्ग पहनने का काफ़ी फैशन चल रहा है और दूसरे में टॉप्स पहने या छोटे हगीज पहन लें, तो ये उस हिसाब से है, आपकी मर्ज़ी है. अगर आप दोनों में सेम पहनना चाहें तो सेम पहन लें, एज़ पर योर चॉइस. तो यहाँ पर मैंने बीट स्टर्ट पहने हैं, ये भी पर्पल कलर के अंदर ही हैं. फोर्थ में भी मैं यहाँ पर हाफ हूप पहनूंगी. बीट स्टर्ट यहाँ पर कुछ ज़्यादा मैच नहीं कर रहा तो मैंने वो उतार दिया है और यहाँ पर हूप ज़्यादा अच्छा लग रहा है. सो हाउ इज़ दिस लुक, आई होप ये अच्छा लगेगा क्योंकि मैं इसी स्टाइल की इयरिंग्स पहनती हूँ, थोड़े मिसमैच करके और थोड़ा सा चंकी स्टाइल हो जाता है. तो ये ड्रेसेस के हिसाब से पहनने होते हैं. अगर आप ट्रेडिशनल पहने तो आप सेम दोनों कानों के अंदर पहन लें, लेकिन अगर थोड़ा सा आप फैंसी या थोड़ा स्टाइलिश ड्रेस पहने, जैसे मैक्सी वगैरह है या कुछ और सा भी ड्रेस हो, उसके साथ ये इस टाइप के इयरिंग्स अच्छे लगते हैं. मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो एयर पियर्सिंग करवा तो लेते हैं, लोअर लोब में भी डबल लोब, मतलब 2-3 ऊपर करवा लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ उसमें टॉप्स या स्टर्ट्स पहन के रखते हैं, मतलब सिर्फ नीचे वाले को ही यूज़ करते हैं इयरिंग्स के लिए, बाकी सारे ऊपर टॉप्स ही रखते हैं पहनकर. तो वो मुझे तो नहीं लगता कि आपने पियर्सिंग करवाई है जब आपने पहनना ही नहीं है कुछ और, तो मुझे तो नहीं लगता वो कुछ वर्क करती होगी. और अच्छा भी नहीं है, इतनी तकलीफ़ उठा के आप पियर्सिंग कराते हैं तो फिर आप फैशन के हिसाब से चीज़ भी ना पहने, नॉर्मल आप इयरिंग्स पहने और उसके बाद ऊपर कुछ भी ना पहने, सिर्फ स्टर्ट्स पहन के रखें तो वो इतना ज़्यादा सूट नहीं करते. मैंने जब से ये पियर्सिंग करवाई है मुझे बहुत सारे इयरिंग्स वगैरह पहनने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, तो मेरे पास काफ़ी सारा कलेक्शन है. किसी दिन टाइम मिला तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी. ये नेक्स्ट स्टाइल दिखा रही हूँ दूसरे ईयर के अंदर. सो वो हमारा एक सेट हो गया जो उसके साथ था. अगर आपको दोनों को सेम करना है तो सेम में पहन लें. ये सेकंड वाला दिखा रही हूँ, इसमें मैंने नीचे हूप्स पहने हैं पहले, उसके बाद सेम डबल लोब में तो सेम जाएगा टॉप्स पर्पल में. इसके अंदर भी मैं 2-3 आपको ट्राई करके दिखाऊंगी सेट्स के, कौन सा किस तरह से अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छा लगे वो फिर आप उसी स्टाइल से पहन लीजिए. यह हमारे ड्रेसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कुछ के साथ हूप्स अच्छे लगते हैं, कुछ के साथ इयरिंग्स अच्छे लगते हैं, कुछ के साथ जरकून ज्वेलरी अच्छी लगती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे मैंने बीट स्टर्ट पहने, वो भी अच्छे लग रहे हैं इसके साथ में.
ये मेरे सारे पर्पल कलर के अंदर ही हैं। आई थिंक इसका कलर इतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं हो रहा कैमरे में, लेकिन ये पर्पल कलर के अंदर ही हैं सारे। सो दिस इज़ द सेकेंड लुक, आई होप यू विल लाइक दिस। आई थिंक अच्छा लग रहा है, ये सारे स्टड्स भी आ गए हैं और पर्पल मैचिंग भी हो गई है। अब काफ़ी लोग इतनी तकलीफ़ उठा के पियर्सिंग करते हैं तो उसका बेनिफिट तो होना ही चाहिए। अब ज्वेलरी किसके लिए आती है, स्पेशली ऊपर वाले इयररिंग्स में भी मैंने नहीं देखा किसी को इतनी नॉलेज होती है कि ऊपर भी पहन सकते हैं हम लॉन्ग इयररिंग्स। सो हेयर आई एम टेस्टिंग माय थर्ड लुक। यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर में किया है, वो जरकून वाले मेरे सिल्वर थे, ये वाले गोल्डन में हैं। इसके साथ भी हम डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करेंगे। एक्चुअली मैं सारे इयररिंग्स जो भी मैचिंग के होते हैं वो सब निकाल के ड्रेसिंग पर रख लेती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर ऊपर ट्राई करके देखती रहती हूँ कि इसके अंदर स्टड्स अच्छे लग रहे हैं या लॉन्ग इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था इन पियर्सिंग के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मुझे जब कहीं जाना होता है तो बस यही होता है कि थोड़ा सा ट्राई कर करके देखती रहती हूँ मैं। सो इससे ये होता है कि आप फ्री टाइम में ट्राई करके देखते हैं तो फिर आपको कहीं जाना है तो आप फौरन जल्दी से तैयार हो जाते हैं और आपको माइंड में रहता है कि ये इयररिंग्स मैंने इस तरह का सेट बनाया था स्टड के साथ या लॉन्ग इयररिंग के साथ या हुप्स के साथ, तो वो अच्छा लगा था उस टाइम पर, तो मुझे याद रहता है। यहाँ पर भी मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग जब ये देखें तो आपको जो अच्छा लगे वो आप साथ में सेट बना के पहन लें, यानी कि आपको सेट बनाना आ जाए कि लॉन्ग इयररिंग्स के साथ हम हुप्स भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने कॉन्च के अंदर ये पर्पल वाला स्टड पहना है क्योंकि ये अंदर ही अच्छा लग रहा है, बाहर अच्छा नहीं लग रहा। आई होप आप लोगों को भी अंदर ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है अंदर जाकर। सो यहाँ पर मैं गोल्डन कलर के स्टड्स पहन रही हूँ। यहाँ पर कुछ डिसेंट लुक आ रहा है इसके साथ पहनकर। आप लोगों के पास भी जो भी इयररिंग्स हैं, जो भी इयररिंग्स का कलेक्शन है, वो आप निकाल कर इस तरह से सेट बनाकर पहन कर देखें अगर आपकी पियर्सिंग हुई हुई है तो, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए क्योंकि मुझे भी एक्साइटमेंट होगी कि मेरा आइडिया आप लोगों को पसंद आया या नहीं। आई थिंक मेरा तो ये यूनिक आइडिया है क्योंकि जब भी मैं इस तरह से पहनती हूँ तो सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं कितने सारे इयररिंग्स हैं, लेकिन ये लगते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आई होप कि आप लोग भी जब पहने तो आप लोगों को भी सब यही कहेंगे कि वाओ क्या बात है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि इयररिंग्स ऊपर तक पहनते हुए। मैं ऊपर भी ट्राई करती हूँ लेकिन इतने ज़्यादा नहीं क्योंकि ऊपर वाली पियर्सिंग में थोड़े लॉन्ग इयररिंग इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। ये गोल्डन इयररिंग्स पहले मैंने गोल्डन स्टड के साथ ट्राई करे थे और अब मैंने पर्पल स्टड पहने हैं इसके साथ में, तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। ये डबल लोब के अंदर मैंने स्टार पहना हुआ है, कितना क्यूट है ये, लेकिन इसको उतार कर मैं पर्पल स्टड पहन कर देख रही हूँ कैसा लग रहा है। सॉरी मेरी थोड़ा गला ख़राब है तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी हार्श हो रही है। ये मेरा लेफ्ट ईयर है और अब राइट में ट्राई कर रही हूँ। पहले हमने हुप्स के साथ स्टड ट्राई करे थे, अब ये लॉन्ग इयररिंग्स ट्राई करते हैं। आप लोगों ने अगर दो पियर्सिंग होल करवाए हुए हैं तो उसमें भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, तो आप दो इयररिंग्स के साथ में मतलब आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं, आगे हुप्स पहने पीछे लॉन्ग इयररिंग पहने। और अगर आपके दो तीन हैं तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। मैं अभी फोर्थ वाले में पहन के नहीं दिखा रही। जब आगे के अंदर हम दो तीन लॉन्ग इयररिंग्स पहनते हैं तो पीछे हम स्टड पहनते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा लुक आता है। आई होप ये वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगें और यूनिक लगें। सो ये वाला स्टाइल और फैशन ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू।